वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। आज आपको इस वीडियो में बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम जो हुई थी और सेशन 2022 से 24 एडमिशन के बारे में कुछ बातें बताने वाला हूं, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। और आप लोगों की बहुत ही ज़्यादा कमेंट आ रही थी कि सर क्या इसका डेट बढ़ा के नहीं, तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है लास्ट डेट ऑफ मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट 2 नवंबर 2022 तक। जी हाँ फ्रेंड्स, उसके बाद को यहाँ ऑप्शन मिला है कि यू कैन चेंज एंड एडिट कॉलेज च्वाइस। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं इसी के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। साथ ही साथ आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा कमेंट थी ये सब देखिए कि बिहार डीएलएड एडमिशन 2022 जो है कब से मतलब शुरू होगा एडमिशन होना, फर्स्ट मेरिट लिस्ट कब आएगा। तो मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो है फ्रेंड्स वो 9 तारीख को आपको जारी किया जाएगा। पहला मेरिट लिस्ट में नाम आ गया तो आपको जहां भी नाम मतलब कॉलेज में आएगा वहां पर जाकर नाम लिखाना होगा। वह इंटीमेशन लेटर और काउंसलिंग का जो जितना भी आपको मतलब रिसीविंग मिला है वो, और ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करते समय जो लगा था वो सभी लेके आपको जाना होगा और एडमिशन करवाना होगा, ठीक है ना। आवश्यक सूचना एक यह है आप लोगों के लिए कि बड़ी खबर है, फॉर्म का स्टेटस अभी देख ले। जी हाँ फ्रेंड्स, अभी देख लीजिए, नहीं तो रिजेक्ट बहुत सारे स्टूडेंट को हुआ था जो कि फिर से करना पड़ा था, तो डेट बचा हुआ था तब किया। अगर मान लो डेट नहीं बचा रहेगा तो क्या करोगे, इसलिए आप अपना फॉर्म का स्टेटस चेक कर लो। और यहाँ पर टोटल जो है 30,700 लोगों का चयन होने वाली है, ठीक है ना। कैसे देखना है मैं ए टू जेड जानकारी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। देखिए तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर बने रहेगा, वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा। मेरे चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल बटन पर क्लिक करके जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर नोटिस में क्लिक कर लीजिए ताकि इसके रिगार्डिंग आने वाला हर वीडियो आपको इसी तरीके से मिलती रहेगी। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उस पर क्लिक करोगे तो आप डायरेक्टली इस पेज में आ जाओगे। इस पेज में आने के बाद में आपको यहाँ साइनअप पर क्लिक करना है। जी हाँ फ्रेंड्स, साइनअप पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर लॉगिन होना है। लॉगिन आप जैसे ही करोगे मतलब यूजर नेम और पासवर्ड देगा तो आपको इस प्रकार से इंटरफेस खुल के सामने आएगा। और यहाँ पर देखिए जितने भी कॉलेज का नाम होगा तो यहाँ पर देख लेना है, अगर कॉलेज का नाम है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आपको यहाँ से जल्द च्वाइस कर लेना है। अगर मान लीजिए कि कोई भी कॉलेज आप ऐड करना चाहते हो या हटाना चाहते हो या किसी प्रकार का त्रुटि है आपको कॉलेज में, तो आपको यहाँ पर एडिट कॉलेज च्वाइस पर क्लिक करना है। उसके बाद में आप यहां से इजीली कॉलेज को चेंज कर सकते हो, ठीक है ना। और ये देखना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि अगर मान लीजिए कि यहां पर कॉलेज सेलेक्टेड नहीं होगा तो फिर क्या होगा, आपका यहां पर नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। जब नहीं हो पाएगा तो आपको बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। और यहाँ पर देखिए इस तरीके से लिखा हुआ है कि 30 कॉलेज में से 7 कॉलेज मैंने चुना हुआ है। यहाँ से एडिट करने का ऑप्शन आ जाता है पूरा, जिसको डिलीट करना है डिलीट कर सकते हो, जिसको ऐड करना है वो यहाँ से ऐड भी कर सकते हो। तो ये है आपका प्रोसेस पूरा फुल लिस्ट कि यहाँ कैसे कैसे क्या करना है। तो जितना काम जरूर कर ले, अगर आप डीएलएड काउंसलिंग करवाए हुए हैं तो ये सब काम जरूर कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आपका यहाँ पर मतलब फिर से सभी को मैसेज आया था कि हाँ आपको जो है आपको यहाँ पर एडिट करना है और कॉलेज च्वाइस करना है, सभी को मैसेज आया था। तो सभी एक बार लास्ट चांस लास्ट बेट चेक कर लीजिए, हो सकता है कहीं आपका फॉर्म एक्सेप्ट है कि नहीं, ठीक है ना। एक बार चेक करने में क्या जाता है, अगर इस तरीके से आ रहा है समझिए कि आपका एक्सेप्ट है, अगर नहीं आ रहा है तो आपका रिजेक्ट है, उसको सही से सुधार कर लीजिए। और आपको कॉलेज च्वाइस करना है तो कॉलेज च्वाइस भी कर सकते हो। तो ये था आप लोगों के लिए नोटिफिकेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, किसी प्रकार डाउट है तो कमेंट कीजिएगा, मेरे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।